Oops. देखो अमिता, लड़कों की खुराक और कैपेसिटी दोनों लड़कियों से ज्यादा होगी। इट्स अ नोन फैक्ट। बिल्कुल बकवास है। इट्स अ टिपिकल मेल शोविनिस्टिक स्टेटमेंट। इसमें मेल शोविनिज्म कहां से आया भाई? तुम्हारे सड़े हुए दिमाग से आया और क्या? ये कैपेसिटी, खुराक वगैरह सब इक्वल होते हैं। आई कैन प्रूव इट टू यू। ओके, प्रूव इट। तुम हर बार अपनी थ्योरी को सही प्रूव करना चाहती हो, तो प्रूव इट। और अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मुझे क्या दोगे? Anything? कहा ना, वैसे भी तुम हारने वाली हो, तो फालतू सपने देखना बंद करो। That we shall see, Mr. MCP. और मुझे बताओ मैं कैसे साबित करूं तुम्हें? मेरे साथ कंपीट करोगे तुम? ठीक है, चलो कंपटीशन ही होगा। और चलो मैं तुम्हें प्रेफरेंस देती हूँ, तुम्हारी मनपसंद चीज खाएंगे तुम। पानीपुरी, राइट? यू लव पानीपुरी ना? हाँ, पानीपुरी कंपटीशन हो जाए। हाँ, और देखो मैंने तुम्हें नहीं हराया तो मेरा नाम भी अमृता नहीं। डन डन। जल्दी जल्दी। चीटिंग कर रहे हो तुम, आधे से ज्यादा पानी नीचे गिरा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा पेट खाली रहेगा। अच्छा, हारने लगी तो नया पॉइंट निकाला फालतू, चल चल। अच्छा कैसा है? ठीक है, धीरे है भैया जी, जीतूंगी तो फिर भी मैं ही, जितना चाहो पानी गिरा दो। धीरे धीरे। कितने हुए? 70 तो मुझे तो लगा था कि मैं, मेरी जुबान देखो, शैतान की जुबान। वो तो पहले से ही थी। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर पाया? या ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, टेरिफिक पर्सनालिटी एंड अ वंडरफुल एपेटाइट। ये वो हरा दिया ना तुमको। मैडम, हम दोनों ने 70-70 खाई हैं पूरियां। तुमने 69 खाई हैं। 69। व्हाट लाइज, एक मारूंगा सीधा कान नाक आंख से सिर्फ चटनी निकलने लगी। हार गए, हार गए, हार गए, हार गए, चीटिंग करके हार गए। रोहित से चीटा, ऐसा ऐसा। भैया दूसरा राउंड शुरू करो। रोहित, रोहित कहाँ खो गए? सुनो ना भैया जी, हनीमून, हनीमून मॉरिशस चला गया था। अरे नहीं नहीं, हवाई हवाई, सोचते सोचते। नहीं भैया, रोहित सोचते सोचते हवाई नहीं बल्कि अंधेरी चला गया था। अंधेरी क्यों? क्योंकि आजकल मैं पापा के बारे में सोच रहा था। जिस तरह वो हमसे फोन पर बात कर रहे थे, मुझे लगता हमसे अब भी नाराज है। पापा को मारो गोली। आई मीन पापा जरा जिद्दी है, ये आएंगे ना तो शादी के मूड में सब ठीक हो जाएगा। चलो ना रोहित, खाओ ना। नहीं, आप लोग खाइए। अरे हम तो कल सुबह तक खाते रहेंगे। अखंड पानी पूरी झपट प्रोग्राम जो बनाया है। और इनका पानी भी बहुत अच्छा है, ठंडा है, स्पाइसी है, खाओ ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे वैसे भी पानी पूरी तुम्हारी फेवरेट आइटम है भाई, खा लो। घर में तो 3-3 दिन तक पानी पूरी का प्रोग्राम चलता है। क्या हो गया तुम्हारे मूड को? रोहित को अचानक याद आ गया है कि रोहित और अमृता के बीच कई बार पानी पूरी खाने का कंपटीशन हो चुका है, और अब पानी पूरी को देखते ही रोहित को अमृता की याद आ जाती है। राइट? कुछ भी बोल देती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो तुम पुरानी यादों में उलझे हुए अंधेरी चले गए, जहां अमृता का नया घर है। तुम क्या जयदेव शास्त्री की तरह फेस और माइंड रीडर भी बन गई हो, भविष्यवाणी करने लगी हो? रोहित, कम से कम तुम्हारा चेहरा तो पढ़ ही सकती हूँ ना। और रहा सवाल भविष्यवाणी का, तो रिमेम्बर वन थिंग, बहुत ही छोटी छोटी खुशियाँ तुमने और अमृता ने एक साथ पाई हैं, बहुत सी यादें इकट्ठा की हैं, मगर अगर उन यादों से जुड़ी चीज़ों से दूर भागोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ गवा बैठोगे। रोहित, तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिसका दिल टूटा है। ये लो अपनी श्वेता, तो अच्छी राइटर के साथ साथ अच्छी खासी फिलोसोफर भी बन गई है। एंड शी इज ऑल्सो राइट। रोहित, अपने अतीत को याद करते, प्रेजेंट को क्या कहते हैं वो? ये लो मेरे सेमी फिलोसोफर,
वर्तमान अमित, वर्तमान कैसे? वर्तमान को खराब मत करो, समझे? इसीलिए कह रही हूँ कि पानी पूरी खाओ, बहुत अच्छी है। एक शर्त पर। क्या? तुम सबको मेरे साथ कम्पीट करना पड़ेगा। अरे विद प्लेजर। जी आपकी तो निकल पड़ी, चलिए चलिए। लाइए लाइए लाइए। रोहित, अभी देखते हैं कौन जीतेगा। अरे मुझसे तो आज तक कोई नहीं जीता। अरे देखिए और। हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। हाँ मैंने अच्छा दीदी, सुभद्रा गुड नाइट। मैं सुभद्रा करूंगी, ये देखो। अच्छा सुभद्रा, हाँ हाँ फोन रखती हूँ ना बाबा। तुम रखो ना फोन। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सुभद्रा? क्या हुआ? मैं आमू के फ्लैट पे जाके उसे खींच के लाता हूँ यहाँ, अगर वो नहीं आई तो घसीट के लाऊंगा मैं। अरे अचानक आपको क्या हो गया? नहीं मुझे लगता है हम ठीक नहीं है। शकुंतल को ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही, अगर शकुंतल को कुछ हो गया तो। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अमृता अमू खुद की शाकुंतल की अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। अभी आधा घंटे पहले उसे बात हो गई ना फोन पर। हाँ अमू ठीक है। हाँ शाकुंतल भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नहीं सुभद्रा सुनो ना। क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं एक काम करते हैं। क्या? अमू के घर जाके उसे देखाते हैं। रात के? मेरा जी घबरा रहा है। 11:30 बजे जाएंगे रात के? कमाल है बाबा। नहीं अमो की कार है ना वो कार, वो ड्राइवर तो घर चला गया, कार कौन चलाएगा? अरे मैं चलाऊंगा, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं मोटर कार की बात कर रही हूँ, बैलगाड़ी की थोड़ी कर रही हूँ। सुभद्रा तुम तो। मैं मजाक कर रही थी, आप तो गाड़ी चलाएंगे लेकिन वो रास्ते में हवालदार रोकेगा तो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आपको पता है? नहीं नहीं टैक्सी से जाएंगे ना। इसलिए कि आधी रात को मैं अमू के घर नहीं जाना चाहती। अमृता के घर पर नहीं, अमृता के फ्लैट पर। अमृता का घर ये है। जो भी है घर फ्लैट अपार्टमेंट, लेकिन इस वक्त रात को अमू को डिस्टर्ब करना मैं मुनासिब नहीं समझती। अमू हमारी बच्ची है, अब हम उसे डिस्टर्ब करेंगे क्या? अरे बाबा वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, अभी जाके उसे डिस्टर्ब करेंगे क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है कि हमारे और अमू के बीच में ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी शुरू हो गई? तुम चलती हो या मैं अकेले जाऊं? अभी इस वक्त आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? नहीं मुझे अमू और शकुंतल की फिक्र हो गई। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि दोनों सलामत है तो आप समझते क्यों नहीं? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम? कोई आपकी जान नहीं निकली जा रही है, आप चुपचाप जाकर सो जाइए ना। तुम फोन तो लगाओ अमू को। अमू अच्छी तरह से जानती है बच्ची की देखभाल कैसे करनी है। अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो आप खुद फोन कीजिए ना, कीजिए। तुम्हें पक्का यकीन है? तो फिर जो लड़की अपनी नाजायज औलाद को जन्म देकर अकेले दुनिया भर की मुसीबतों का सामना करने का फैसला करती हो, वो इतनी तो लापरवाह नहीं हो सकती कि अपनी बच्ची की देखभाल न कर सके। आधे आधे घंटे के बाद जाकर वो देखती है बच्ची कैसी है। आप समझते क्यों नहीं? वो बच्ची अमू की जिंदगी का एकमात्र सहारा है, वो जान से भी ज्यादा प्यार करती है उसे, ज्यादा चाहती है। वो शकुंतल को कुछ नहीं होने देगी, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट अमू। दादाजी छोड़कर घर में बैठ गए, घर की हालत तो देखो, जहाँ देखो वहाँ कचरा धूल सब कुछ। अरे वो बाई को निकाल दिया ना, और फिर वो शाकुंतल भी बीमार थी, इसने साफ सफाई नहीं की। शाकुंतल की बीमारी की वजह यही है कि अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, सब बंद बंद करके रखा है क्या तू? अरे आप ही ने कहा था ना वो वेस्ट साइड की विंडो बंद रखना। फालतू बस मत कर अपने दादाजी की तरह। ए भाई दादाजी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या हुआ क्या? चायला 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 मत पीजिए। क्यों? किचन में झांक कर देखिए, लगता है जैसे कॉकरोच का जंगल चारों तरफ उगाया है, छोटे छोटे कॉकरोचेस। अरे वो तो पहले से ही थे ना दादी, लेकिन अब तू यहाँ रह रही है ना। तो आप क्या चाहती है, मैं हर एक कॉकरोच के पीछे दवाई का पंप लेके भागती फिरूं क्या उसे मारने के लिए? वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ सिर्फ इंस्पेक्शन करने आई हूँ, समझ गई? ठीक है मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। कब करोगी? मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना कर लूंगी। हाँ हाँ भाई जब वो कह रही है कर लेगी तो कर लेगी ना। चुप रहिए ना डबल डोर, वहाँ तो दिन भर अमो नहीं संभल पाएगी, नहीं संभल पाएगी रट लगा रहते, और यहाँ
चल झाड़ू पोछा दे दे, मैं साफ करती हूँ। दादी माँ, I'll do it. आप ही ने कहा है ना, it's my problem, so I'll do it now. लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से शाकुंतल को भुगतना पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अंडरस्टैंड? दादी माँ, शाकुंतल का पेट खराब हो गया था इसलिए। 70 साल मैंने टाइम पास नहीं किया है, मुझे मत सिखा। अब ये सब तुझसे मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो अभी बोल देना। मैं तो पहले कह रहा था बेटा तू घर चल, तुझसे ये सब नहीं होगा, तू फेल हो गई है, हार गई है। मैं हार नहीं गई हूँ, गॉड डैम इट, दिस इज नॉट फेयर। आप लोगों ने मुझे 1 महीना दिया था ना, उसमें से पूरे 20 दिन बाकी हैं अभी। ठीक है, कल मैं फिर से आ जाऊंगी, घर चमकता हुआ दिखाई नहीं दिया तो इट विल बी ओवर। ओके ओके, हाँ ओके, चलो जल्दी चलो। रोहित जल्दी चलो। श्वेता तुम चलो, मैं एक फोन करके आता हूँ। इस वक्त? हाँ बस थोड़ी देर में, चलो। हेलो दादी माँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। ओह कैसे हो बेटे? दादी माँ अमृता ये सब क्या कर रही है? ओह तो तुम्हें पता है, इस तरह बच्चे के साथ अकेले रहना, आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्या तुम उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर जाते हुए रोक सके थे? तुम तो जानते हो कितनी जिद्दी है वो। लेकिन दादी माँ वो सब कुछ कैसे संभाल पाएगी? ये सवाल तुम उसी से क्यों नहीं पूछते? दादी माँ मैं रोहित, तुम हर पल हर वक्त आज भी कल की तरह आमू के बारे में सोचते रहते हो, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोस्त के नाते से ही उसे समझाओ जरा। दादी माँ मैं कोशिश करूंगा। तुम आमू से आज भी बहुत प्यार करते हो, है ना? गुड बाय दादी माँ। क्या कहा अमृता ने? अमृता ने? मैं अमृता से बात नहीं कर रहा था। दादाजी से? दादी जी से? One of them, I'm sure. तो तुमने मेरी बात सुनी? नहीं रोहित, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। श्वेता मैं सिर्फ रोहित, तुम मेरे सामने बात नहीं करना चाहते थे, इसका मतलब तुम गिल्टी फील कर रहे थे। वो तो सिर्फ इसलिए श्वेता क्योंकि तुम अपने साथ आंख में चोली खेल रहे हो और साथ में चीटिंग भी कर रहे हो। रोहित जब मुझे हमारी जिंदगी पर अमृता का साया मंजूर है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मैं अमृता को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहता हूँ, पर आई कांट, आई हैव ट्राइड बट आई कांट। श्वेता मैं अमृता से आई कांट गेट आउट ऑफ माई सिस्टम, मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ श्वेता। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है रोहित, मैंने हर कोशिश करके देख ली कि तुम्हारे दिल में एक छोटी सी जगह बना सकूं अपने लिए, मगर तुम चाहते ही नहीं हो। एटलीस्ट टेल मी रोहित, मुझे तो ये भी मंजूर है कि तुम अमृता को भुलाने के लिए मुझे एक जरिए की तरह इस्तेमाल करो, बिकॉज आई लव यू एंड आई वांट टू हेल्प यू, मगर तुम उस जरिए को अगर इस्तेमाल करके नहीं। रोहित पापा शायद ठीक कह रहे थे, तुम अमृता के सिवा किसी और को चाहते ही नहीं। बाय। नाम क्या है तुम्हारा? विशाल। और ये अवनी, वैसे शांत पर अंदर से एकदम चैप्टर, वो कहते हैं ना शांत पानी ज्यादा गहरा। और ये हमारा विशाल, एकदम स्ट्रेट, कोई खिटपिट नहीं, मुंह पे बोल देगा, मन में कुछ नहीं रखेगा, सेम मेरे जैसा। और कौन सी क्लास में हो तुम लोग? सिक्स्थ में, और ये सेकंड में, दोनों में 4 साल का डिफरेंस है। उसके बाद एक मिसकैरेज भी हो गया था मेरा, पर उसके बाद फुल स्टॉप। ओह, और कौन सी, आप मत बताइए हाँ, कौन सी स्कूल में हो तुम? सीडी नानावटी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। मैं भी सीडी नानावटी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल अंधेरी बॉम्बे 58। अरे वो तो एड्रेस है,
देखा कितनी पैक है, बड़ी होके वकील बनेगी और अगर आपके साथ किसी ने वापस उल्टा सीधा किया ना तो यही आपका केस लड़ेगी। I beg your pardon. आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब supposing, आप समझी नहीं, supposing आपके साथ ऐसा हुआ ना वापस, R-A-P-E, all that. R-A-P-E means what? चुप कर, दिन भर सबकी बातें सुना करती है बदमाश। आप इस तरह की बातें करती हैं? कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं। नहीं वो मैं नहीं, वो सरोज और मिसेस गुलाटी है ना, कल सोसाइटी की किटी पार्टी हुई थी मेरे घर में तो बस एक ही टॉपिक, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, शकुंतला अपने बाप की वारिस बनेगी, मुंशी का सारा पैसा उसे मिलेगा। मैंने तो कह दिया सो व्हाट। शर्म नहीं आती आपको दूसरों के नाम से अपने गंदे ख्याल इस तरह मेरे सामने बयान करते हुए? मैंने देखिए आप प्लीज, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। देखिए ये मैं नहीं कह रही थी, वो तो वो सब लोग कह रहे थे। वो बोलोगी तो नौ नंबर आ जाएगा मम्मी। चुप कर, जब देखो तब बकबक किया करती है। चल खड़ी हो, चलो। मिसेस सोजा, अगर मेरी बुराई करनी है तो कम से कम बच्चों के सामने तो मत किया कीजिए। इट्स नॉट गुड यू नो। कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे मिस अमृता बजा रही हैं अभी रहने। हाँ हाँ साइन कीजिए और जाइए। हेलो रोहित, रोहित आई एम सॉरी रोहित, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने तुम्हें। आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं घर पर ही हूँ, इफ यू कैन प्लीज। श्वेता मैम, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं इस वक्त रोहित, एक्चुअली रोहित मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि रोहित आई रियली लव यू irrespective of everything. तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके आई मीन रोहित, तुम आ रहे हो ना, मैं वेट करूं तुम्हारे लिए? हाँ श्वेता, या आई एम कमिंग बैक। बैक? यस बैक टू वेयर आई बिलोंग, जहां मेरी किसी को जरूरत है, तुम्हारे पास। हाँ सर, मैडम मिली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.